रोटरी पानीपत साउथ क्लब 3080 के इंटरसिटी समारोह का आयोजन एक निजी होटल में किया गया, जिसमें 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल व चंडीगढ़ के 800 से अधिक रोटेरियंस ने भाग लिया। समारोह में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन जितेंद्र ढींगड़ा ने रोटरी के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा इस साल क्लब द्वारा किए जाने वाले समाज सेवा के कार्यों के बारे में ब्यौरा दिया। इसके अलावा प्रवास अभियान को भी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने क्लब के सदस्यों से कहा कि रोटरी क्लब साउथ का दूसरा नाम सेवा है, इसलिए सभी सेवा के कार्यों के लिए अपनी कमर कस लें। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में PGD डॉक्टर अशोक गुप्ता, रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व प्रधान रोटेरियन राजा साबू, गेस्ट ऑफ ऑनर PGD डॉक्टर समीर, रोटेरियन अजय मदान, मनमोहन सिंह, रोटरी पानीपत साउथ के प्रधान असीम ग्रोवर, सचिव अश्विनी शर्मा, अरुण सेठी, कमल अनेजा, प्रीत कोचर, अजय मलिक, विकास शर्मा, प्रीतपाल सिंह, राजेश चुग, राजेश गुप्ता व सुरेंद्र बजाज प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सभी अतिथियों का यहां पहुंचने पर पानीपत के पदाधिकारियों द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पानीपत साउथ ने रोटरी की इंटरसिटी करी है, जिसमें हम लोग टोटल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है 3080, उसमें टोटल 76 क्लब हैं। उन सब क्लबों के यहाँ पे मेंबर आए थे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सब मेन मेंबर आए थे। टोटल 800 लोग यहाँ पे आज थे। टोटल 5 स्टेट के यहाँ पे रोटरी क्लब के मेंबर सब लोग यहाँ आए थे। उनकी एक गेट टुगेदर थी, उनका एक इंटरसिटी होती है जिसमें मेंबरशिप डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है कि कैसे नए मेंबर बनाएं, और वो हर साल यहाँ पे अलग अलग शहरों में मनाया था। इस बार ये मौका पानीपत में था और हमारे को रोटरी पानीपत साउथ ने ये होस्ट करा है। इसका जो कार्य होता है, क्या रहता है रोटरी का कार्य? रोटरी का कार्य यही है कि जैसे आपको पता है ये सोशल वर्क बहुत करते हैं और लोग अपने मेंबर्स बनाते हैं, मेंबर्स के साथ इनको इंटरेक्शन करते हैं ताकि लोग आपस में जुड़ें, कुछ नई बातें सोचें, कुछ डिस्कशन करें कैसे हम समाज के लिए या तो अपने शहर के लिए क्या कर सकते हैं, ये मुख्य मुद्दा रहता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? असीम ग्रोवर, मैं प्रेजिडेंट रोटरी पानीपत साउथ। हमारे यहाँ पे 5 स्टेट के लोग थे, हरियाणा, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड, चंडीगढ़। तो सबने अच्छा, मतलब सबने परफॉर्मेंस अच्छी दी, सब इकट्ठे गेट टुगेदर प्लेटफॉर्म था। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट सबसे अच्छा होता है ना, हमारे यहाँ जैसे असीम को रोटरी साउथ का है, तो उन्होंने फुल पार्टिसिपेट कराया लोगों को। ये एक बड़ा दिल निकालना पड़ता है जो कि हमारे प्रधान ने निकाला, सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। हमारे 84 क्लब्स हैं जो इस जोन में, सबको यहाँ पर गेट टुगेदर किया सबका। और सिर्फ इसलिए है कि चलो एक सब फैमिली है रोटरी, सब इकट्ठे हों। और ये बेसिकली क्या होता है कि इकट्ठे इसलिए किया जाता है कि ताकि लोग बूस्ट हों, नए नए प्रोजेक्ट्स करें, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, वो इनका मुद्दा होता है बेसिकली। क्या नाम है? धीरज मिगलानी, रोटरी साउथ। रोटरी पानीपत साउथ ने मेम्बरशिप सेमिनार किया था। हमारा इसका पर्पस मेम्बरशिप को बढ़ावा देना है। जैसा आपको पता कि हमारी रोटरी जो डिस्ट्रिक्ट 3080 है, 5 राज्य और 1 यूटी में है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, उत्तरांचल और चंडीगढ़। तो आज वहाँ सबसे करीबन हमारे 82 क्लब हैं, उसमें से 78 क्लब आए हुए थे और करीबन 823 मेंबर वहाँ से आए हुए थे। तो हमारा पर्पस था उनको बताना कि रोटरी क्या कार्य कर रही है और रोटरी की मेम्बरशिप को और बढ़ावा दिया जाए ताकि हम अपनी संस्था को और मजबूत कर सकें और समाज सेवा ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकें। सर, नेशनल लेवल पे काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे रोटरी, क्या उद्देश्य है ये जो नीचे लेवल पे जाके किस तरह जागरूक कर रहे हैं लोगों को, क्या उनकी मदद कर रहे हैं? हमारी रोटरी का उद्देश्य ही सर्विस अबव सेल्फ है। हम पहले क्लब लेवल पे इकट्ठे होते हैं, उसके बाद समाज में देखते हैं कहाँ का क्या क्या ज़रूरत है, फिर वहाँ उसको हम सपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ जाके हम नीचे से लेके ऊपर लेवल तक हर तरह के कार्य करते हैं। मेरा नाम जितेंद्र ढींगरा है और मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 का गवर्नर हूँ। हमारा रोटरी पानीपत साउथ ने एक सेमिनार आयोजन किया था जो कि हमारी मेंबरशिप डेवलपमेंट में था, कि जो हमारे रोटरी के मेंबर्स और हम कैसे रोटरी को फैलाएं, कि रोटरी के बारे में लोगों को बताएं, उस बारे में एक डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री जितेंद्र ढींगरा जी के अंडर ये सारा प्रोग्राम हुआ है। इसमें हमारे हरियाणी साहब हैं बेंगलोर से, स्पीकर साहब हमारे, जो एक रोटरी इंटरनेशनल के पास प्रेजिडेंट थे साबू साहब वो भी यहीं थे, अशोक गुप्ता जी थे हमारे चीफ गेस्ट। इन सब ने अपने अपने विचार रखे कि रोटरी जो हमारा आज सेमिनार था
मेंबरशिप डेवलपमेंट का, उसके बारे में बात की और भी रोटरी के जो काम हम रोटरी वाले करते हैं, जैसे कि रोटरी ने एक बहुत बड़ा काम पोलियो का किया था, पोलियो ख़त्म करने के देश के अंदर, वो रोटरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस तरह से अब हम वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर भी रोटरी का काम चल रहा है कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी बहुत ख़त्म हो रहा है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे रोटरी के यहाँ डिस्कशन हुए। हमारे आज पानीपत के अंदर लगभग 80 क्लब्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट 3080 से थे, आज वहाँ के सबके डेलीगेशन यहाँ आए थे और सब ने उनके सबके विचार सुने जो हमारे बाहर से आए थे, और सब ने एक आवाज़ में जो भी उनके डिसीजन वो थे वाटर सेविंग के ऊपर, गर्ल्स सेविंग के, गर्ल्स सेव चाइल्ड के ऊपर डिस्कशन हुई। और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, साल में 2 प्रोग्राम होते हैं हमारे। ये हमारे क्लब के लिए ऑनर का विषय है कि ये हमारे को दिया गया कि हम पानीपत में इसको ऑर्गेनाइज़ करें, और ऊपर वाले की वजह से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रहा। थैंक यू। मैं अश्विनी शर्मा, सेक्रेटरी पानीपत रोटरी साउथ से हूँ।